अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप बाय नूर एंड वेलकम बैक टू शादी सागर सीरीज़। और आज मैं आप लोगों के लिए ये सी ग्रीन टी ग्रीन विद गोल्डन वेडिंग एस टाइम मेकअप लुक लिख के आई हूँ। इसको आप किसी भी फंक्शन पे कैरी कर सकते हैं, बरात पर, वलीमा पर। तो आई होप आपको ये आई लुक अच्छी लगेगी। तो मेक श्योर वीडियो में जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फटाफट से हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। ये लुक मैंने कैसे क्रिएट की है। ओके, सो फेस मैंने बना लिया है। यहाँ पे मैं कंसीलर अपनी जो है कंसीलर अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। मिस रोज़ का कंसीलर यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कोर्स वीडियो जो थी वो शूट की थी, डैट्स पर मेरी जो आई है उसके ऊपर इतनी सारी लैश ग्लू लगी थी, जिसकी वजह से मेरी लैशेज़ जो है वो सारी आपस में चिपकी पड़ी हैं और आई की लुक जो है बड़ी अजीब सी आ रही है। सो प्लीज़ इग्नोर इट। क्योंकि कंसीलर यहाँ पर मैंने जो है अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है अपने फोरहेड पर, अबव द आईब्रोज एंड अंडर आइज पर, आईलिड्स पर। अच्छी तरह से मैं अपने फेस को जो है कंसील करूँगी। कंसीलर ब्लेंड करने के बाद मैंने एक्वा केक लाइनर, तो वो एक्वा केक लाइनर बोल रहा हूँ, एक्वा कलर लाइन कॉम्पैक्ट पाउडर लिया, उसको मैंने अप्लाई कर लिया। ग्लैमर्स फेस की आईशैडो पैलेट से मैंने ये डीप पिंक सा एक ब्राइट पिंक कलर शेड जो है वो पिक किया है और इसको मैं अपनी क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ एज ए फर्स्ट ट्रांजिशन शेड। और यहाँ पर मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया, लेकिन आगे से ये लिटिल बिट फ्लफी है। और इसके साथ मैं अपने कलर को अच्छी तरह से जो है अपनी क्रीज में अप्लाई कर लूँगी। देन मैंने एक बड़ा फ्लफी ब्रश लिया है और इसके साथ मैं अपने पिंक कलर को अच्छी तरह से जो है वो ब्लेंड आउट कर दूँगी। ओके जी, कलर जो है मेरा अच्छी तरह से ब्लेंड आउट हो गया है, पिंक कलर जो मैंने सबसे पहले अप्लाई किया था। इसके बाद सेम ग्लैमरस की पलट से यहाँ पर मैं ऑरेंजिश ब्राउन सा एक कलर पिक कर रही हूँ सेम उसी ब्रश पे, और इसको मैं पिंक कलर के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ पिंक कलर के एजेस को ब्लेंड आउट करने के लिए। बिल्कुल पिंक के ऊपर अप्लाई नहीं करना, उसके ऊपर अप्लाई करना है। ओके जी, कलर को यहाँ पर मैंने अप्लाई करके अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर दिया। देखिए हमारा पिंक कलर भी नज़र आ रहा है और वो पहले ऑरेंज कलर भी नज़र आ रहा है। इसके बाद सेम ग्लैमरस की पलट से मैंने ये टर्कोजी सी ग्रीन काइंड ऑफ शेड पिक किया एक छोटे फ्लफी ब्रश पे, और इसको मैं आउटर वी एरिया पे अप्लाई करूँगी। वी बनाते हुए अपने आउटर वी को हम इसके साथ जो है वो डीपन करेंगे। और कसो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से कलर जो है अपने दोनों आइज़ पे आउटर वीज पे ब्लेंड आउट कर लिया है। देन मैंने एक बड़ा फ्लफी ब्रश लिया पहले वाला और इसके कलर सी ग्रीन के एजेस को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड आउट करूँगी। इसके बाद रिवाज की यहाँ पर मैंने पैलेट लिया, इसके मैंने ये शिमर शेड पिक किया एक फ्लैट शेडर ब्रश पे, और इसको मैं अपनी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। आईबॉल एरिया पे, पूरी आईलिड पे अप्लाई नहीं करना, जस्ट सेंटर पार्ट पे मैंने इस कलर को जो है अप्लाई किया। देन सेम रिवाज के पलट से मैंने ये डल गोल्ड शेड लिया है और इसको मैं अपने फ्रंट पार्ट पे अप्लाई कर रही हूँ। अच्छी तरह से मैंने कलर को अप्लाई कर लिया है। देन अगेन मैंने फ्लफी ब्रश लिया है और आउटर वी पे मैं कलर को ब्लेंड आउट कर रही हूँ। देन सेम ग्लैमरस की पलट से मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है और जो आउटर वी पे मैंने कलर अप्लाई किया था उसके ऊपर मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने आउटर वी को थोड़ी और डेप्थ देने के लिए। हल्का हल्का कलर मैंने अप्लाई किया, देन उसको अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर लिया। अगेन मैंने बड़ा फ्लफी ब्रश लिया और सारे कलर्स को मैं सीमलेसली जो है वो ब्लेंड आउट कर लूँगी, ताकि कोई भी हार्श लाइंस हैं वो ख़त्म हो जाए, हमारे कलर्स जो हैं वो अच्छी तरह से ब्लेंड आउट लगें। ओके जी, लाइनर मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया था, कोई भी लाइनर मैंने नहीं अप्लाई किया, जस्ट बेसिक लाइनर मैंने अप्लाई किया। और जो सी ग्रीन शेड मैंने पिक किया था मैट में, वो मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लिया। इसके बाद यहाँ पर मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईज़ में, क्योंकि हमने कॉल आईज़ जो है वो मैंने आज बनाई है, विंग मैंने इसलिए नहीं किया, कॉल आईज़ आज मैंने क्रिएट किए हैं काजल के साथ। ओके, सो इसके बाद मैंने अगेन वही ब्रश पिक किया और जो मैंने काजल अप्लाई किया था उसको मैं हल्का हल्का बाहर की तरफ जो है वो स्मज आउट कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक छोटे से ब्रश पे ब्लैक कलर जो है वो पिक किया है, और ज़्यादा कलर मैंने ब्लैक नहीं लिया, बस बहुत थोड़ा सा लिया था, और उसको मैं अपनी लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी अपनी लैश लाइन को स्मोक आउट करने के लिए। देन अगेन मैंने वो सी ग्रीन कलर पिक किया है और उसके साथ मैं ब्लैक कलर को अच्छी तरह से ब्लेंड आउट करूँगी। देन यहाँ पर मैंने सेम ब्रश पर वही डार्क ब्राउन शेड लिया जो मैंने आउटर वी पे अप्लाई किया था, उसको भी मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। देन यहाँ पर मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया और सारे कलर्स को मैं सीमलेसली ब्लेंड आउट कर दूंगी और अपने लोअर लैश लाइन पे स्मोक आउट कर दूंगी। रिवाज की पलट से ये वाइट शिमर शेड मैंने पिक किया, इसके साथ मैं अपने ब्राउ बोन को जो है वो हाईलाइट करूंगी। देन सेम रिवाज की पलट से ये गोल्डन शेड पिक किया, इससे मैंने अपना टियर डक्ट एरिया जो है वो हाईलाइट किया। इसके बाद मैंने पहले वाला वाइट शेड भी अपने टियर डक्ट पे अप्लाई कर लिया था। मस्कारा यहाँ पर मैं अच्छी तरह से अपने लैशेज़ पर अप्लाई करूँगी लैशेज़ को कर्ल करने के लिए।
ओके सो इसी के साथ जो है वो हमारी आज की आई मेकअप लुक जो है वो कम्प्लीट हो जाती है। लैशेज़ जो है मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर लिए थे, तो आई होप आपको आज की ये आई मेकअप लुक जो है वो प्यारी लगी होगी। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी हिट किया करें ताकि मैं जो भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फटाफट से मिल जाए। और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं इस आई लुक को क्रिएट करने के लिए वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी चेक करें। मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।